सीता जयंती पिछली बार भी तो हमने कितना धूमधाम से मनाया था। हाँ इस बार भी आने ही वाली है, 4 दिसंबर संडे को ही है। अच्छा संडे को, वाह फिर तो और बढ़िया हो गया, स्कूल की भी छुट्टी होगी, इस बार और धूमधाम से मनाएंगे। दीदी दीदी गीता जयंती क्या होती है? महावीर जयंती, हनुमान जयंती और गांधी जयंती के बारे में तो सुना है, पर गीता जयंती के बारे में पहली बार सुना है। मुझे भी बताओ ना ये क्या होती है? अरे सुनो, गीता जयंती के दिन श्रीमद् भगवत गीता का प्राकट्य दिवस होता है, यानी कि जन्मदिन। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर कुरुक्षेत्र में मानव मात्र के कल्याण के लिए गीता जी का उपदेश दिया था। अच्छा दीदी, दीदी तो इसका ये मतलब होता है मानव मात्र का कल्याण, मतलब इस दुनिया पे रहने वाले सारे लोग इसको पढ़कर अपना कल्याण कर सकते हैं। हाँ मिश्री, यह तो बहुत ही विलक्षण ग्रंथ है, ये भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख की वाणी है। क्या स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख की वाणी? तो फिर जरूर ही ये सभी लोगों के लिए कल्याणकारी होगी। क्या हम भी गीता जयंती का मतलब मना सकते हैं? हाँ हाँ, तुम भी आओ और अपने परिवार को भी लेके आओ। परिवार ही क्या बल्कि शहर शहर गांव गांव हर जगह इसका प्रचार होना चाहिए, पूरे विश्व में इसे धूमधाम से मनाना चाहिए। हाँ हाँ दीदी, हम भी बड़ी धूम